हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कबीर खान। मैं आपको नए फोटो मैनिपुलेशन के बारे में सिखाऊंगा जो कि है मूनलाइट फोटो मैनिपुलेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक फोटो लेना है, जो कि मैं इस फोटो को सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने वाला फोटो लिया है, आप कोई फोटो ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही फोटो लें। उसके बाद आप ड्रॉ पे क्लिक करिए। उसके बाद फोटो को थोड़ा सा मिनिमाइज कर लीजिए, इसे इजी रहे। उसके बाद एम्प्टी लेयर पे क्लिक करिए और नीचे बॉटम साइड ऐड फोटो पे क्लिक करिए। उसके बाद आप कोई भी इमेज को ले सकते हैं, एक्चुअली मैं गर्ल की इमेज को ले रहा हूँ। जो भी पार्ट आपको नहीं यूज़ कर उसको आप क्रॉप कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ से। तो मैं नीचे से ऊपर थोड़ा थोड़ा पार्ट को क्रॉप कर दे रहा हूँ। उसके बाद इस गर्ल की जो इमेज को वो मैं राइट साइड की तरफ दे जा रहा हूँ और साइज़ को थोड़ा बड़ा करके सेट करना है, जिस तरह से अच्छा लगे। इसमें थोड़ा समय लग सकता है। मैं इसकी जो टॉप वाली जो ग्लासेस हैं उसको माउंट के साथ मैच करते हुए थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, उसी हिसाब से इस फोटो को एडजस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं ओपेसिटी को फिल कर देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, जो इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको रिमूव करना है विथ सॉफ्ट लाइट ब्रश के साथ। मैं इस समय इस वीडियो को थोड़ा सा स्पीड अप कर दिया, जिससे इसमें इसको रिमूव करने में बहुत समय लगता है। तो आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से फोटो को मैंने राइट जो भी अनवांटेड पार्ट था उसको रिमूव कर दिया। उसके बाद मैं फोटो को मर्ज कर देता हूँ, डन पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद क्योंकि मेरा मोबाइल में काफ़ी लोड जाता है तो वो हैंग हो जाता है। उसके बाद मैं फिर से डन पे क्लिक करूँगा जिससे मेरा मोबाइल हैंग ना हो। एक न्यू एम्प्टी पे क्लिक करूँगा। उसके बाद ऐड फोटो पे सेम प्रोसेस एंड ऐड मैं सेकेंड इमेज को ऐड करूँगा एज अ स्काई। तो मैं इसके अनवांटेड पार्ट्स में इसे क्रॉप कर दे रहा हूँ और इसको पोजीशन कर रहा हूँ टॉप साइड। आप चाहे तो कोई और भी इमेज यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं इस इमेज को नीचे कर देता हूँ। उसके बाद जो ऊपर वाली इमेज है उसको लाइट ब्रश के साथ रिमूव करता हूँ, जिससे कि जो पीछे वाली इमेज के जो क्लाउड है स्काई है वो दिखने लगे। मैं सॉफ्ट लाइट ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ, इजी टू रिमूव। इस प्रोसेस के होने बाद आपको क्या करना है कि दोनों जो लेयर उनको मर्ज कर देना, ठीक है। उसके बाद एक नई एंटिटी लेयर क्रिएट करनी है, उसके ऊपर क्लिक करना और फोटो ऐड करना है। मैं एक मून को ऐड कर रहा हूँ जो कि ब्लैक बैकग्राउंड पे है। मैं इसके अनवांटेड पार्ट को काट दे रहा हूँ। इसके बाद मैं इस मून की पोजीशन को सेट कर दे रहा हूँ टॉप पर। इसके बाद मैं इसकी नॉर्मल टू स्क्रीन कर दे रहा हूँ, इसे इसका। इसके बाद मैं फोटो फिर से ऐड कर रहा हूँ एक एंट्री लेयर पे। उसके बाद मैं कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, मैं स्पार्कल यूज़ कर रहा हूँ, इसको भी पूरे में पोजीशन कर देता हूँ, पूरे में स्केल कर देता हूँ। मतलब आप चाहे तो जैसे भी कर सकते हैं, कुछ और यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद मैं इसकी नॉर्मल टू स्क्रीन कर दे रहा हूँ। उसके बाद मैं फोटो को डन कर दे रहा हूँ। ओके, उसके बाद क्या करना है, आपको टूल में जाना है, एडजस्ट में जाना है। उसके बाद मैं टेम्परेचर को टोटली डाउन कर दे रहा हूँ, मतलब माइनस की तरफ ले जा रहा हूँ पूरा फुल। जैसा भी आपको अच्छा लगे आप कुछ भी कर सकते हैं, मुझे ये अच्छा लग रहा है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। उसके बाद मैं हाइलाइट्स कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगे जैसा भी सेट करने पर कंट्रास्ट बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं,
हाईलाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप फोटो पे टाइट चेक कर देना, उसके बाद टूल पे जाना है, कर्व पे क्लिक करना है। कर्व पे क्लिक करने के बाद मैं ब्लू चूज़ कर रहा हूँ, ब्लू को थोड़ा सा बढ़ाया है, उसके बाद रेड को थोड़ा सा भी बढ़ा रहा हूँ, इससे कि मुझे थोड़ा सा ब्लू पिंक कलर का इफेक्ट आ सके। ये डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का कलर चाहिए। मुझे इस टाइप का चाहिए तो मैं इस टाइप का यूज़ कर रहा हूँ, आप किसी भी तरीके का यूज़ कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। मैं थोड़ा सा इस समय डार्क यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे तो लाइट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं सम पार्ट्स को। इसके बाद क्या करना है, इस प्रोसेस में होने के बाद आपको राइट पे क्लिक कर देना है, पर जो राइट चेक है उस पर क्लिक कर देना है। इसमें मैं क्लोन सैंपल टूल से कुछ फिक्स कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे स्क्वायर टाइप का कुछ दिख रहा था। उसके बाद मैं ऐड फोटो पे क्लिक कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ प्रोसेस पार्ट का लॉन्ग। इसके बाद मैं इस बात का ब्लेंडिंग मोड टू स्क्रीन कर देता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।